भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे शंभुनाथ रे। जय भोले। ऐसा होता है कभी कभी। हो गिर गया मैं पहली बार आज। पकड़ो पकड़ो, मैं गिर जाऊंगी तुम भी गिरोगे साथ में। व्हाट्सअप प्यारो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाई जे ब्लॉग्स। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो बज चुके, मतलब कितने बज गए, 12? तेरे 12 बज गए मेरे नहीं, टाइम के 12 बज गए। तो हम लोग हैं तुंगनाथ मंदिर, आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, द हाईएस्ट लॉर्ड शिवा टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड तुंगनाथ। तो यहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक है, बहुत खूबसूरत, और बहुत बर्फ हो रही है वहाँ पर, सब बता रहे हैं। तो देखते हैं कैसे पहुँचते हैं हम लोग वहाँ पर, बाकी आप भी हमारे साथ देखेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारे इससे पहले वाला जो ब्लॉग है वो भी देख लीजिएगा, उसमें हमने देवरिया ताल भी कवर किया है। चलते हैं तुंगनाथ। तो महादेव का बुलावा फिर से आ चुका है हमें, हम पहले भी आए हुए हैं, इस बार आपको फिर से दर्शन कराते हैं महादेव के। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ देखो कितनी ज़बरदस्त भीड़ है, मतलब गाड़ियाँ यहाँ यहाँ तक लगी हैं, दुकानों के आगे आगे तक। 20 रुपये रेंट है। तो यहाँ तिमो ले रही है डंडा। कितनी है भैया बर्फ, तुम गए नहीं? तो ये है तीर्थ केदार तुंगनाथ। जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ से ऐसा लग रहा है ना तिमो कि ऊपर बर्फ कहाँ होगी यार, इतनी धूप है, बिल्कुल रास्ता साफ है, अभी पता लगेगा ऊपर थोड़ा सा पहुँचने के बाद। ये देखो ये पेड़ कितने प्यारे हैं, बिल्कुल ऐसे करके झूले की तरह। अरे तिमो अभी तो चढ़ाई शुरू हुई है। मैं तो बस पेड़ का आनंद ले रही हूँ। अच्छा, इस तरह से झूले हुए हैं कि आके हमारे ऊपर बैठ जाओ बोले, तो मैंने उनकी बात मान ली और मैं बैठ गई। हमारी चढ़ाई शुरू हो गई है, अभी हम बस चढ़े हैं, बहुत ही ज़्यादा चढ़ गए, सिर्फ 50 मीटर, इतना भी नहीं होगा। अभी रोड दिख रही है यहीं से, तो अभी जाना है हमें 5 किलोमीटर। चलिए, इससे पहले हम 3 किलोमीटर का रन करके आ चुके हैं देवरिया ताल। तो चलते हैं, भोले 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 बाबा की जय। ये देखो यही स्टार्टिंग में हमको बर्फ दिख गई है, ये तो पार्टी अभी शुरू हुई है महाराज जी। हाँ, ऊपर तो बर्फ के पहाड़ दिखेंगे हमें। तो अगर आप तुंगनाथ का ट्रैक कर रहे हैं ऑफ सीजन में, तो यहाँ पे एक पर्ची कटती है, तो ये पर पर्सन 150 रुपीज की पर्ची कटती है। आगे आपको दिख रहा होगा तो चारों तरफ गुलाबी गुलाबी फूल खिले हुए हैं, मतलब नज़ारा तो देखने लायक है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जो बुरास होते हैं मोस्टली रेड कलर के होते हैं, यहाँ आपको व्हाइट पिंक रेड सब मिल जाएंगे। हाँ, हर वैरायटी मिल जाएगी। तो हम नीचे से समथिंग 1.5 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं, और जब सीजन होता है तो ये दुकान खुली रहती है, तो ये दुकान बंद है। तो अगर ये वाली दुकान बंद है तो इसके 1.5 किलोमीटर के बाद तो बर्फ ही बर्फ है, तो मुझे लगता है कि ऊपर कोई भी दुकान खुली नहीं होगी। और ये देखो भाई साहब क्या बर्फ पड़ी हुई है। हाँ यार, चलो भैया शॉर्टकट गया, लेकिन ये शॉर्टकट थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है मुझे, डोलम डाल है? हाँ, वो ऊपर तक चढ़ना है। हाँ, वो आ रही है तिमो। तिमो को इस बार मेरा जी ने एक बबाल डंडा दिला दिया है। कह रहे स्कूल है, स्कूल है, जबकि पिछली बार भी बिना डंडे के आई थी। बर्फ मिलेगी तब तुम्हें इसकी इम्पोर्टेंस पता लगेगी भाई। अभी देखो ये रास्ता है, रास्ता इतना सा रह गया है, पूरे रास्ते पे बर्फ है, और ये ऊपर यहाँ से पूरा नीचे पूरा बर्फ ही बर्फ। यहाँ तो अब तुम्हें एक एक चीज का वेट लगेगा। अरे देखो कितने लोग हैं वहाँ ऊपर, ये बहुत लोगों को तो हमने पीछे कर दिया। अब तो रास्ता साफ़ हो गया है, यहाँ पे कहीं पर बर्फ़ पड़ी है फिर साफ़ हो जा रहा है। ये हमसे आ गए थे, हमने इनको भी पीछे कर दिया। अगर हम यहाँ से आते तो ये रास्ते में देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, यहाँ पे शॉर्ट में कुछ भी बर्फ़ नहीं है, बस थोड़ी सी है बस यहीं पर। लाओ तिमो हाथ दो, नीचे आते वक्त भी बर्फ़ में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि फिसलने के चांसेस जब हम नीचे आते हैं ना तो ज़्यादा होते हैं। तो यार यहाँ पे तो इतनी बर्फ़ है नहीं, ऊपर ही कहीं होगी। छोटू हाउ द जोस, पर हाय। ये देखो इसको कितनी ताकत आई है, ये दौड़ने में लगा है। अरे लोग थक गए। तो एक और ग्रुप मिला है हमें,
और हमने इनको भी पीछे कर दिया। नहीं अच्छा हाँ है अभी तो एनर्जी है मुझ में बहुत ही, इसको खिलाओ। मुझे फिसलने का डर लग रहा है। आप कहाँ से? नैनीताल। तो भी देवरिया ताल भी करके आए? हाँ जी। इतनी गर्मी वहाँ, अभी यहाँ से आगे ना सारी विलेज है ना, सारी विलेज 3 किलोमीटर का ट्रैक है, ऊपर ताल है बहुत सुंदर। चलो मिलते हैं आगे, बाय। अब हल्के हल्के हम चलते हैं ऊपर को, कहीं कहीं पर तो तेमो नहीं है, पूरा रास्ता साफ है, लेकिन कहीं कहीं पर वो देखो कितना छोटा सा रास्ता, अगर ऊपर से कोई आ गया तो फिर एक को कोई गाड़ी जैसे एक तरफ ही करनी पड़ती है, इस टाइप से करना पड़ जाएगा। यार लोग जाने के लिए यहाँ से भी गए हैं, देख ये फुटप्रिंट है इसमें, चलें क्या? ये डंडा इधर फैशन के लिए है। या खली हर हर महादेव। तो भाई अभी हर हर महादेव बोला मैंने तभी मैं बचा, वरना मैं फिसलने वाला था। और ये जो पूरा रूट है ये देखो पूरा इसमें स्नो स्नो है, हर हर महादेव। तो ये देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ है और बिल्कुल हाथ रख रख के जाना पड़ रहा है। ओके नहीं नहीं बोलना पड़ता है भाई। पोजों के बाद मेहरा जी का फेवरेट पोज, भाई का जलवा, यो यो हनी सिंह। बस 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 भीग जाओगे। यो तो देखो जो ऊपर पहाड़ी है बस वहीं पर है तुंगनाथ, थोड़ी देर में दिखने लग जाएगा। कितनी भीड़ गई हुई है, हमने कितनों को पीछे कर दिया होगा तुम। हाँ यार शॉप खा रहे कि हम 12:30 पे निकले और 1:15 पे तब हो गए, सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया। तिमो 12 से 12:10, 12:10 से 12:15, 12:30 जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो तिमो बोलेंगे अरे हम तो 1 बजे निकले हैं, लोग बोलेंगे अरे अभी तो 1 बजा भी नहीं है। 12:15 पे निकले। हाँ तो यार ये मिसेस तिमो, तो हमने 1 घंटे में तुंगनाथ पहुंचने वाले हैं, 1 किलोमीटर, और इससे पहले हम 3 किलोमीटर देवरिया करके आए। पता नहीं कौन सा नया वो करने जा रहे हैं करतब। अब इससे पहले तो टी शर्ट खोल के बर्फ में लेट गए थे महाराज, अब पता नहीं क्या नया ड्रामा करने वाले हैं महाराज जी। हाउ इज द जोश? यो महाराज जी स्लाइड करते हुए, यो वाई जे ब्लॉक्स। तो हम पहुंच चुके हैं गणेश मंदिर पे। जय गणेशाय देवाय नमः। तुझे वीडियो बनाना है? नहीं आऊंगा बस वीडियो बना, नहीं तो हम। और भाई यहाँ से देखो नीचे, तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है जहाँ पे रोड बिल्कुल नहीं है, फिर यहाँ से दोबारा रोड स्टार्ट हो गई है, आधे लोग नीचे को आ गए हैं। तो देखिए फ्रेंड हमें गणेश मंदिर के बिल्कुल जस्ट पास, और रह गया यहाँ से तुंगनाथ बस इतना सा दूर। तो भाई हम पहुँच गए हैं सबसे टफेस्ट रास्ते पे, बस यहीं पर है सबसे खतरनाक। हाथ तो दे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अरे डरो मत, आराम से। बस बस हाँ हाँ बस 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 अब चलो आगे को। आखिरकार तिमो आ गई है यार, यहाँ पे बहुत अच्छा है। हाँ बताओ, वो तुंगनाथ मंदिर दिखने लग गया है। तो बोलो हर हर महादेव। और ये देखो यार चारों तरफ क्या स्नो स्नो है, और ये लाल टमाटर आता हुआ सफेद प्लेट में लाल टमाटर। तो मेरी डर के मारे हालत खराब हो गई थी, पूरा स्नो था और नीचे खाई, जैसे आई मैं आई। वाह 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 वाह, पूरा स्नो था और नीचे खाई, और मैं पता नहीं कैसे आई। अरे वाह वाह, शहर बना दिया रे डर ने तुमको। डर के आगे जीत है। यो यो वाईजे ब्लॉग्स, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
बम बम भोले, बम बम भोले, मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे, शंभुनाथ रे, जय भोले। फाइनली अब हम मंदिर पहुंचने वाले हैं। यहाँ तो अब पूरा रास्ता ही गायब है, हाँ, जैसे कि ये इतने से अवशेष हैं बस। और देखो यहाँ रास्ता नहीं है, ये है सबसे टफ पार्ट यहाँ तुंगनाथ का, क्योंकि यहाँ पे रास्ता कहीं पर भी नहीं है। जो ये फुटप्रिंट है इसी के सहारे तिम्मू ऊपर को जा रही है। तो आप लोग अगर हमारी ये वीडियो देखे अभी आ रहे हैं ऑफ सीजन में ट्रैक करने के लिए, तो अगर पानी की बोतल हो या कुछ खाने का नीचे से लेके आना, क्योंकि हाँ यहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सारी दुकानें बंद हैं। ऐसा होता है कभी कभी, हो गिर गया मैं पहली बार। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं तीर्थ केदार बाबा तुंगनाथ के द्वार पे, और बहुत मेहनत के बाद, जंतो जहद के बाद तिम्मू भी आ गई है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ, जोश बिल्कुल भी लो नहीं है, एकदम हाई है। अभी जब कैमरा नहीं खुला था ना तो चिल्लाने में लगी थी, अरे कैसे आऊँ कैसे आऊँ। सबको पता है कितनी डेरिंग लौंडिया का, आ जा फिर आज। जय बाबा केदार, हर हर महादेव, बम बम भोले, जय हो। देखिए ये है बाबा महादेव का मंदिर, और ये इनका त्रिशूल, और ये माँ पार्वती का मंदिर है। तो अभी ये बंद है, ये मई में खुलने वाला है, तब तक ये बर्फ भी बिल्कुल गायब हो जाती है। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो फाइनली नंगे पाँव आ गया हूँ मैं, जय बाबा तुंगनाथ। जय हो बाबा। तो ये देखो तिम्मू भी अंदर जा रही है महादेव के पास से दर्शन करने के लिए। तिम्मू कैसा लगा, आया मजा? तो फाइनली भोले बाबा की कृपा से हम यहाँ पहुँच चुके हैं। इतनी ज़्यादा बर्फबारी थी और बिल्कुल रास्ते में ऐसा हो रहा था, चलने के लिए जगह नहीं थी ना, मेरा जी फुल था। तो ये कहते हैं ना, इनकी कृपा हो तो इंसान कहीं भी जा सकता है आराम से। सही बात। और इतनी खतरनाक बर्फ में, वो भी नंगे पैर, बिना जूते पहने, मैंने इतनी सारी भगवान के दर्शन किए, फोटो तो खिंचाई, बहुत अच्छा लगा। अभी भी हम नंगे पाँव हैं। तो आप लोग को भी हमारे साथ दर्शन करने में बहुत मजा आया होगा। तो अभी बहुत कुछ बाकी है हमारे चैनल में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल YJ ब्लॉग्स। हर हर महादेव। आ रही है ऊपर से फिसलने की कोशिश करते हुए। ओहो तिम्मू को देख के पीछे वाली लड़की गिर गई। सही है सही है, आते रहो आते रहो। आज